इकडे प्रॉब्लेम आहे, त्यांनी बोर्ड लावलेला आहे. सोमवार बुधवार शुक्रवार आहे ना, बरोबर आहे. आता इकडे शुक्रवारची लोक तुम्ही घेतली, तुमच्याकडे किती वॅक्सिन येतं, किती जणांना देणार, आलेल्या लोकांनी काय करायचं, किती वेळा परत जायचं. इकडे एकही माणूस आहे आन्सर द्यायला, कोणी नाही. हे किती दिवस करायचं वॅक्सिन, सगळ्यांना पाहिजे. यांना टोकन द्यायला सांगा ना, की आता जी लोक आले पन्नास, तुम्ही 50 जण 100 जण 200 देणार, त्याप्रमाणे त्यांना तुम्ही सांगा की एवढ्या लोकांना मिळेल, बाकीच्या घरी जातील. तुम्ही आजपर्यंत काय करताय, कळणार कसं. आपण आता अथॉरिटी ने बोला, मेरा कहना वही है की हम लोग इधर सुबह दो दो बजे के आके खड़े रहते हैं, तो इन लोग क्या करते हैं, आके खुद अपना टोकन बना के ले लेते, बोलते हमको दिया हुआ टोकन है. ऐसा नहीं होता है, सब लाइन में खड़े रहे 2 बजे उठते, तो इन लोग को टोकन देना चाहिए. आज मंडे का हम लोग आएंगे, उनको मंडे का टोकन देते, हम लोग चले जाएंगे 9 बजे खड़े रहेंगे अपने आप. बाकी हम लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे, और ये लोग दादा ही कहते वॉच करने बोलते थे, खाना नहीं रहने का, तपस करने नहीं आने का. ऐसा थोड़ी है, हमें देखने तो आएंगे ना, तो क्या इनका रूल से होता, हम देखने आएंगे ना, तो हमको निकल देते यहाँ खड़ा नहीं रहने देते. धूप में खड़े हम लोग, चाय पानी ना सके, सुबह के 2 बजे खड़े रहते हम लोग. वो वैक्सीनेशन के लिए आयु, कब से हम लोग लाइन पे खड़े हैं, 50 लोग हो गया करके कुछ रेस्पॉन्स भी नहीं करते, कुछ बोलते भी नहीं हम लोग को कि टोकन दे दो, मंडे को आ जाओ, ऐसे कुछ बोलना तो चाहिए ना, जवाब ही कुछ नहीं दे रहे. क्या पर आम आदमी को बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है. धूप में हम लोग बहुत देर से खड़े हैं, कभी भी कोई बोलते रहे, कोई जवाब ही नहीं दे, अंदर से कोई आ भी नहीं रहे बाहर. दोन दोन तीन तीन वाजल्यापासून लोक उभी राहतात ह्या लाईनीत, ह्या उन्हात मध्ये आता किती वेळ उभी आहेत, मग त्यांना टोकन तरी द्या ना. आम्ही परवा येऊ बुधवारी, त्यांचे नंबर घ्या, त्यांना कॉल करा, त्यांना द्या, त्यांना पण त्रास होतोय, पण पुढचं टोकन द्या. म्हणजे उद्या आम्हाला मिळेल ना परवा, चार वेळा येऊन काही लाईन लावणार का. आम्ही फक्त येऊन उभे आहे, और आपने आप बना के वो लोग बोलता हमको दिया ना, अपने आप बना है, और हमको यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है. रोज सुबह 9 बजे खुलता है, लोग 4 बजे आते हैं, ठीक, 50 कभी 70 टाइम अलग अलग टोकन ले, कभी 50 लेते हैं, कभी 70 लेते हैं. और ऑनलाइन वाले को सेकंड लाइन और सेकंड वैक्सीनेशन के लिए भी यहाँ बोलते हैं 45 डेज के बाद आओ, दैट प्रीवियसली 28 था. मतलब कैसे कोई मैनेज करेगा, आज 4 बजे से लेके 50 नंबर, 50 वाले को 4 बजे वाला भी नहीं लगा नंबर, कभी कैसे ये लोग मैनेज करें. कोई इधर और रफली बात करते हैं, क्या बोलने का अभी बताएगा कि भाई सेकंड डोज के लिए अलग रखोगे कि भाई 10 आदमी को देगा, तो बोलता है लाइन में खड़ा रहो, होगा तो मिलेगा, तो 40 डेज के 6 महीने में नंबर लगना है हमारा. तो पहला वो डोज लेके फायदा भी नहीं ना, पहला डोज लेके फायदा क्या, 6-6 महीने तक लगे रहने, तो सेकंड डोज के लिए अलग बना होगा भाई, सेकंड डोज आके 45 डेज आके बराबर है, तो फायदा क्या 45 डेज के अंदर भी आएगा, बोलते लाइन में करो 4 बजे आके, सुबह 4 बजे आने का 75 का उम्र वाले को कैसे लगेगा, बताओ ना. कोई कुठे राहता तुम्ही, अग्रवर लास्ट, काय सांगाल, काय येऊन परत जायला लागतो, आता सकाळपासून उभी आहे, काही आंघोळ केली आणि तशी रिक्षा करून आले सेपरेट, आता या करोनामुळे शेअरिंग रिक्षा करता येत नाही, एवढं पैसा लटा घालायचं आणि यायचं परत जायचं, याच्यात काय अर्थ आहे का, निदान टोकन तरी द्या ना. तुम्ही किती वेळा परत गेल्या, लोक परत जात आहेत, परत म्हणजे मी काल तर परत गेली, काल पण मी रिक्षाने चाललेली. भाई है ना, कोई सिस्टम जैसा ही.